हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ब्लॉग जो है वो रेगुलर नहीं आ पा रहा है, उसके लिए मैं फिर से बहुत बहुत सॉरी कहूँगी आप लोगों से। क्या कर सकते हैं, अभी घर के कामों में सब कहीं ना कहीं बिजी है, इस वजह से रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग को या फिर जितना भी ब्लॉग है उन सबको इसी तरह से ही प्यार दे रहे जैसे कि आप लोग हमेशा देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फिलहाल धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसा मन हो रहा कि काश हल्की सी हवा चल जाती, बारिश हो जाता। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में गर्मी है। और अभी वो भी वहाँ साइड पे बिजी हैं बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी अपने घर, नए घर पे जाके अभी जो बन रहा है ना, अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरह से क्या क्या बन रहा है। वो सब का एक अलग से ब्लॉग ज़रूर आएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं मनोहर भैया जो है वो खड़े हुए काम करवा रहे काफ़ी तेज़ी से। सब लोग अभी घर के जितने भी लोग हैं सब वहीं पे अभी बिज़ी है काफ़ी ज़्यादा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर घर बन रहा है तो बिज़ी तो बनता है ना, कोई भी बिज़ी रहेगा बहुत ज़्यादा। फिर भी आप लोग ब्लॉग को रेगुलर इतना ही प्यार दे रहे हो जितना कि आप लोग देते हैं, उसके लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा वीडियो जो है, ब्लॉग जो है वो ख़राब नहीं जा रहा है, आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा जा रहा है वो। तो अभी फटाफट से मैं एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को पब्लिश करेंगे क्योंकि 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको, ये प्रोसेस यहाँ पे। तो आज तो पक्का आएगा। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए फटाफट से। फटाफट से पहले काम को फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। मैं यहाँ पे रात का खाना और शाम का नाश्ता बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पापा के लिए अंडा करी, क्योंकि आज उनका नाइट शिफ्ट है तो वो 8 बजे चले जाएंगे। तो जब उनका नाइट शिफ्ट रहता है तो वो अपना डिनर लेके पैक करा के लेके जाते हैं। तो मैं फटाफट से उनका खाना रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। और इस कुकर में है मटन, ये बनेगा बच्चा पार्टी के लिए, मतलब हम लोगों के लिए मटन बिरयानी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ समोसा, जिसका मैंने प्याज वगैरह चॉप करके रख लिया और ये मैंने मटन को पीस के रख लिया है। और ये बनेगा शाम के नाश्ते में समोसा। तो यहाँ पे पापा का जो अंडा करी है वो रेडी हो चुका है। और मैंने अंडे को एक साथ ही बॉईल कर लिया था, वो बिरयानी में जो मैं यूज़ करूँगी उसके लिए मैंने बॉईल करके ऑलरेडी रख लिया है। बस मैं सब कुछ रेडी कर दूँगी, बस चावल मेरा बनाने को रहेगा तो मैं 8 बजे के बाद बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। अंडा करी रेडी है, अब बनाऊँगी समोसा का तैयारी। जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑयल ले लूँगी। ऑयल लेने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्याज चॉप करके रखा है, इसको मैं डाल दूँगी। मैंने इसमें थोड़ा ही सा ही प्याज जो है डाला है, बाकी का मैं ऊपर से डालूँगी। क्रंचीनेस है, अगर वो समोसे में नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता। क्या चाहिए चम्मच? सब लोग गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगा, फिलहाल तो 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आज सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है और काफ़ी बारिश हुई है। बहुत इंतजार के बाद, काफ़ी गर्मी के बाद बहुत बारिश हुई। अब जाके मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बारिश के टाइम शूट नहीं कर पाई, उसके लिए मैं वेरी सॉरी। और वहाँ देखिए सारे कौवे फिर से आ गए हैं नहा धुला के, तो पूरा भीग चुके हैं। यार एक ऊपर बैठा है कौवा को घर पे देती जाओ, अब हमें भी अपना घर में आराम करना। मेरे घर में पूरा कब्जा करके बैठा है। और आज तो पता नहीं ये फूल भी नहीं खिला, इसमें कली हो चुकी है और इसका फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है, देखा है मैंने। 10 बजिया बोलते हैं, आपके यहाँ भी 10 बजिया ही बोलते हैं? आपके यहाँ क्या? मैंने फर्स्ट टाइम आपके मुँह से सुना है तो 10 बजिया बोलते हैं। जब आपने बोला था ना मुझे कि 10 बजिया है, तो मैं वेट कर अगले दिन की 10 बजे का, तो मैं देखती हूँ इसका फ्लावर खिल रहा है नहीं खिला है। कैसा नाम बोले इसको, गलत बोले आप। इसको 10 बजे वैसे बोलते हैं यार, तुम पूछ लो आपने व्यूअर से पूछो। 10 बजे अच्छा, इसको 10 बजे बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो यही वाला प्लांट है, इन्होंने बोला कि इसको 10 बजिया बोलते हैं। 10 बजिया है ये, और इन्होंने बोला था कि 10 बजे खिलता है, तो मैं अगले दिन 10 बजे बहुत वेट किया था। 10 बजिया नाम इसका मतलब ये नहीं कि 10 बजे ही खिल जाएगा, बट 10 बजे तक खिल जाएगा। हमारा नदी ऑलवेज इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब मौसम इस तरह का होता है। तो वैसे बारिश बहुत तेज़ आई थी। आपने शूट किया था थोड़ा सा? मैं कर रही थी, पर मैं रील्स वगैरह कर रही थी आप लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक भी किया, और तुरंत तो मेरा रील 500 भी प्ले हो चुका था। बदमाशी कर अभी बारिश हो रही है अच्छी। और ये एक नाव जा रही है जो कि एकदम इस व्यू को एकदम 4 चांद लगा देता है। मज़ा आ जाता है देख के, मतलब ये व्यू कसम से। एक तो मैं वैसे ही, मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं हमेशा वॉच करती रहती हूँ इस तरह की हमेशा व्यू को, और ख़ास करके मुझे उससे कहीं ज़्यादा वाला घर मिल गया। तो हमारे घर में काफ़ी दिनों से, मैं आपको दिखाना भूल गई, एक नया मेहमान आया हुआ है। अभी आपको उससे मिलाती हूँ, 2 मिनट डुब्बू लाने गए। ये देखिए, ये है, क्या नाम है डुग्गू इसका? एक नया रैबिट, इसका नाम है ओरियो। ओरियो नाम है। डुग्गू बहुत अच्छा सबका नाम रखते हैं। सबका नाम वैसे डुग्गू ने ही रखा है। ये भी काफी क्यूट है, लेकिन इसका नाम ओरियो क्यों है? ओरियो क्यों? ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, वाह, इसको खरीद के नहीं लाए, ये मेरी मैम दी है। अच्छा, ये किसने सोचा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसका नाम ओरियो रखेंगे? मैंने गूगल पे, आजकल के बच्चे जो है ना सुपर फास्ट, गूगल पे सर्च करके नाम लिख लेते हैं ना। गूगल पे सर्च करके नाम रख लेते हैं। कितना क्यूट लगता है ऐसे, देखो। नहीं लेती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। एक बार लो ना मामानी को दो ना, एक बार दो ना, जबरदस्ती दो ना। नहीं बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा। मत करना, मतलब मेहमान तो ऐसे ट्रीट करते हैं क्या? ये मेहमान कहाँ रहा? अभी नया मेहमान तुमने बोला? मैंने बोला काफी दिनों से आया, मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। ये हो गया, चलो मेरे थोड़ा फोटो। जब कपड़े धोते खास करके ऐसे बालकनी में बारिश आ जाती है ना, तो बहुत मजा आ जाता है। हो गया मेरा कपड़ा धुलना होना। और इस महीने का आपका कितना हुआ है? क्या कपड़ा वपड़ा धो के झाड़ू लगा के 15,000 15,000 देख लो भाई, मेड 15,000 मिल रही है। देख लो क्या बोल रहा है। तो इसके हम देखे भी नहीं, तो तुमको देखे तो मत जाना, देखा अजान हो रही है। कहाँ भाग रहा तू? मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ। क्या है ना, हम लड़कियों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं क्या बताऊँ, कि हम लोग तो जब कपड़े धो लेते हैं उसके सूखने या फोल्ड करके बस अलमीरा में रख देते, उसके बाद ये देखिए ये इस तरह का हो जाता है, पहन नहीं पाऊँगी कपड़ों को अच्छे से। इस मामले में लड़के बहुत ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए कि उनका जो जीन्स होता है, टी शर्ट होता है, वो आप जैसे ही खोल रहे वक्त तो उसको आयरन करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से निकालने को पहन लेते हैं। लेकिन हम लड़कियों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि ये। इसी के साथ आयरन करते हुए मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और खास करके ओरियो जो जिसने नाम रखा उसका वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जाना उससे क्या बाय बाय। जला नहीं, क्यों जलाएंगे? वीडियो कर लिया क्या वो?